दलन सूर्य नाम सारी संसार अस्सलाम अलैकुम सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज दिन सदाख तुवे मार्च है, मंगलवार है, मार्च के 2 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने खास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफर करके नीदरलैंड आकर एक लतीफा के साथ ये खबरें खत्म करूंगा। सूरीनाम Rijo Bestantin Paramaribo Kurususus, Egri in de Tijar, Tijtis Bereske MK alias Barba, en 45 jaar, Panspan Bereske DM alias Iman. 31 jaar, 31 Bereske Aurat SM, Aur MK Namkuk Mardana Kugriftar Kalia, Charojana, Somos de Straat ke ek 8 huis met Chori Kiehe. वो भी खास सिलेंडर्स, कई किस्म के महंगा महंगा दारू, तमाम नगद पैसा, कसर खेसर, महंगा महंगा खलासन, इलेक्ट्रॉनिक्स अपराटूर वगैरह वगैरह। इसका तो हेलर है, उनको उनका प्रोसेस प्रभाव बना करके छोड़ दिए हैं। बाकी तीनों जैसे एम का डी एम एस एम कबूले हैं कि यही लोग ने चोरी किए हैं। Drie verdachten voor inbraak en diefstal in eethuis aangehouden. Officiële COVID-19 website pe khabar hai ke in 24 uur yani 24 ghanta ke andar mein 104 corona test kiye hain, to in logon mein se 4 yani 4 jana ko corona bimar kar diya hai और अभी एक कोरोना पेशेंट के मौत भी हो गया है। अब मिला जुला करके 873 कोरोना पेशेंटन के मौत हो चुका है। 11 यानी 11 जना अस्पताल में दाखिल हैं, 3 यानी 3 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में है, सिर्फ 7 जना अच्छा हो गए 24 घंटा के अंदर में, 535 जना इसोलासी में दाखिल है। सूरीनाम के रखेरिंग के इरादा है चंद दिनों के अंदर में सूरीनाम इन्वेस्टमेंट एंटरप्राइज एनएफए कायम करने के लिए। यह नया एनएफए के अहम काम होगा इन्वेस्टर्स कैपिटल सूरीनाम के खातिर एकत्र करने के लिए। यह नया एनएफए है न्यू सर्फिन एनएफए के जगह पर। वैसे नया एनएफए इन्वेस्टर्स को आसानी तौर पे मौका देगा सूरीनामों में अपना पैसा खर्चा करने के लिए। COVID-19 वैक्सीनेशन कंपनियां सूरीनामा में तो शुरू किया गया है फरवरी के 23 तारीख को। ये बीते हुए सोमवार के शाम के वक्त इंडिया के भेजा हुआ 50,000 COVID-19 वैक्सीन सूरीनामा में आ गया है। खबर किए हैं कि फैक्सिन जना को वैक्सीनेट करेंगे। फलोसोसोंथाइट के मिनिस्टर अमर अमदीन जनता से गुजारिश किया है कि चाहे वैक्सीनेशन आपको मिल चुका होगा, कोरोना मात्र घलन वही रह जाएगा। मौन कापी पहनना है, अंदर हालत में तो दूरी रहना है। लॉकडाउन के वक्त एक ऑटोमोबाइलिस्ट बहुत तेज चलाते अपन घरे जा रहा था, वो रास्ता पर से बिछला करके एनफी एनर्जी बदरे सूरीनाम के स्त्रोमपाल में धक्का मारा, स्त्रोमपाल टूट गया और स्त्रोम के द्वार रास्ता पे गिर पड़ा। वहां से यह ऑटो एकाकलिया खाते एक टैक्सी बदरेत के इंद्रित में जाकर के रुका। यह ऑटो के चारों पहिया ऊपर रहा। यानिवारी के 26 तारीख को नरकोटिका ब्रिगाड शुल सैदनी हाफन पर 4 तास में हुई 166 किलोग्राम यामी मारिवाना पाए थे, उसे कब्जे में ले लिए जो इत्र गाड़ी में छिपा करके रखा गया था। तो 6 जना गिरफ्तार हो चुके थे। आज के खबर बताए हैं कि फिर एक जना को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो है वही हाफन पे वो नौकरी करता, उनका नाम है ग्रिगोरी सिंह।
पुराना सरकार के दिनों में तो सुरनाम से पोस्पार बैंक में से सब नगद पैसा चोरी हो गया है। तो ये चोरी चंडाली में त्रिनिदाद के पैदाइशी मर्दाना वो पलटी कर्नल से डेरेक राम समूज उसको नाम उनको गिरफ्तार किया गया है अक्टूबर 2020 में। तो मंगलवार के एक्स प्रेसिडेंट डीसी बौतर्स को अदालत में बुलाए हैं उनके बारे में गवाही देने के खातिर। अब ये बताया है एनडीपी के वोट फूदर कांपा स्टार न्यूज से। राम समूज के ऊपर इल्जाम है कि वो एक क्रिमिनल और खनिसासी में शामिल है, फरफाल सिंह किया है, फ्रॉड किया है, एंटी करप्शन को कदर नहीं किया। त्रिनिदाद के मीडिया में उनके बारे में बताया गया कि वो एनडीपी के अफसर है और वो 100,000 यूएस डॉलर पोस्पार बैंक में से पाया है तनख्वाह के नाम से। नीदरलैंड के फुटबॉल क्लब आयाक्स के एक एक्स फुटबॉलर क्विंसी प्रोम से उसका नाम, वह सुरनाम से नीदरलैंडर, वो इतना पैसा कमाया क्योंकि बद्रेस पांथा आप कौदो में और प्रोविंस यूट्रेख्ट में एक फैला है। तो अपना बद्रेस पंप में वो एक फेशियल कायम किया था जहां वो अपना नेव को भी बुलाया था। तो लोगों ने फेस करते हुए कदम खूब दारू पिए नशा चढ़ा आपस में झगड़ने लगे। तो यही क्विंसी प्रोम्स ने एक तेज धारा वाला छुरी लेकर अपना नेव के गोर के गांठी में भोंक करके जख्मी कर दिया कि वो आज तक भचक भचक चल रहा है। तो नेफ ने अब एक वकील को सौंप दिया है खादो फरखुदिंग मांगने के लिए। तो ये वकील ने क्विंसी प्रोम्स के जो फैला है प्रोफेंसी उत्तराखंड में उसे बस लाख में ले लिया। उसका कीमत है 1.2 मिलियन यूरो के। आप देश विदेश की खबरें सुन रहे हैं सुरिनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। अख्तिन अख्तन तख्तक में फिंसन फाखोख एक टेकनी बनाया था एक नौजवान औरत के नाम रखा हुआ ला मुस्मे। तो ये टेकनिंग न्यूयॉर्क में फाइलिंग किया गया। तो किसी ने 8.6 मिलियन यूरो में उसे अपना लिया है। इतना ज्यादा पैसा एक टेकनिंग के खातिर जो भरा है वो है कौन इसके बारे में नहीं बताया। नाइजीरिया के प्रोफेंसी जामफारा के दौरों जांगबे में एक लड़की के स्कूल जहां सिर्फ मैशस पढ़ाई करते हैं तो 269 स्कूल मैशस को एक आध मर्दाना बंदूक ताने फूर कर ले गए हैं। तो एक ही हफ्ता के अंदर में सबको छोड़ दिया गया है। तो अब लोग यही जानना चाहते हैं कितना लॉस खौफ कितना पैसा भरे हुए हैं ये लड़की को छोड़ने के खातिर। फॉर इन द नासिस के दो मेंसर रखते रिपोर्टर्स एक रिपोर्ट के जरिए खबर किए हैं कि रुसलान में ओपोसिसी लीडर नवालनी को नोविशोक जहर के जरिए मारने को कोशिश किए रुसलान के डॉक्टरों को मरने से बचा लिए हैं। तो इसके बारे में इंटरनेशनल अंदरसुख करना जरूरी है और जिन लोगों ने ये जुल्म किए हैं उनको सजा मिलना चाहिएगा। ये खबर करते हैं फ्रेंड नासिस के दो मेंसर रहतन रिपोर्टर्स। अब नीदरलैंड की खबरें सुनिए। दनहाग के रहने वाला एक सुइफंदत यार 37 बरस के मर्दाना हीर मोर्दनार के खोज में था अपना औरत को मरवाने के खातिर। औरत ने तो दो लड़कन लेकर के कहीं लुका गई है। एक मोर्दनार उनसे पैसा भी ले लिया लेकिन जब मोर्द नहीं किया तो ही झंझट के कारण सिपाही को पता चल गया तो उनको गिरफ्तार करके अब अदालत में पेश किए हैं। तो अदालत उनको 8 बरस के जेल की सजा दे दिया है। 10,000 से ज्यादा मलक फी होल्डर्स बहुत दुखित हो गए हैं। मालूम हो कि सेफल कंसर्न फ्रिसलैंड कंपनी के जब मुनाफा बनता था तो एक्स्ट्रा पैसा दे दिया था देता था ये मलक फी होल्डर्स को 100 किलो मलक पर 1.8 यूरो। तो मिला जुला करके 10,000 यूरो एक्स्ट्रा पैसा हर बरस ये लोग पा जाते थे।
लेकिन ये बीती हुई वर्ष 2020 में कंपनी ने सिर्फ 79 मिलियन यूरो मुनाफा बनाया है, तो उतना कमती मुनाफा में ये मिल्क फ्री होल्डर्स को एक्स्ट्रा पैसा ना दिया है। साल 2019 में जब 78 मिलियन यूरो मुनाफा बना था तो एक्स्ट्रा पैसा दे दिए थे हर एक जना के कमोबेश 3000 यूरो। तो नीदरलैंड के मिल्क फ्री होल्डर बहुत मायूस हो गए हैं, बहुत दुखित हो गए हैं, और ऊपर से कोरोना वायरस के कारण ये कंपनी ने 1000 कम कर्तन को इस्तीफा भी दे दिया है। सेंट्रम तेह केंद्र हांडल एंड मेंस हांडल अंदर सुख करके खबर किया है कि नीदरलैंड में बहुत लवर बॉयज हैं जिन लोगों खुद ही बहुत खूबसूरत हैं और ऊपर से महंगा महंगा ऑटो चलाते हैं तो लड़कियां पगला जाते हैं। तो ये लोगों जो है 80% लवर बॉयज हैं, मिक्रांतन में से ना परदेसी लोग हैं जो नीदरलैंड में रहते हैं और लड़कियों के फुसला करके एक ही हफ्ता के अंदर में तो जबरदस्ती ये लोग प्रसूति के काम करवाने लगते हैं। तो जितना पैसा कमाते हैं ये लोग उसे ठग लेते हैं, जब पहुंच जाते हैं ये लोग के जाल में तो ये लड़कियों निकल नहीं पा रहे हैं। तो इसके बारे में अब विचार करना चाहिएगा कि लॉफर बॉयज के कैसे सजा दिलवाया जाए। फेहरखाइस रेखियो के बुरखमेस्टर्स चाहते हैं कि कोरोना मात्र रेखलन अब आस्ते आस्ते ढीला कर दिया जाए, जैसे कि लोगों को इजाजत दे दिया जाएगा टेरासन पर बैठ करके और मस्ती मौज करें, होकर ओवरवेज खोल दिया जाए। फैले खैस बरात के 4 सीटर ब्रोल्स इसके बारे में एक आदमी मिनिस्टर से बात कर चुका है। तो मिनिस्टर दियोंग बोले कि अभी कोरोना खतरा बना हुआ है, रिस्को ना लेना चाहिएगा। द ब्लास्टिंग दिन्स खबर किया है कि कल से ऑनलाइन ब्लास्टिंग आखिर तक लोगों ने कर सकते हैं, लेकिन कल ही से स्टोरिंग हो गया है, इन लोगों करना मुश्किल है। मार्च के 15 तारीख को ट्वेड कामर फॉर किसिंगन की जाएगी। तो खबर करते हैं कि कमोबेश 2.4 मिलियन जना जिसका उम्र 57 बरस से और ऊपर है, ये लोग ने पर पोस्ट यानी चिट्ठी द्वारा स्टेमन करेंगे। आपको भी मालूम होना चाहेगा कि नीदरलैंड में कमोबेश 3.2 मिलियन जना तो ये चुनाव में हिस्सा लेंगे। प्रोफेंसी द्रंत के दौर क्लासिना फेन में 70 दुकान बंद था कोरोना मात्र खलन के कारण। तो अब इन लोगों ने एक मत हो करके और डेमोस्ट्रेट कर रहे थे अपना दुकान खोल करके, 9 बजे सब मिलजुल कर अपना दुकान खोल दिया था। तो खमहीन एमन के बस्तूर बोले कि एक एक जना के अब 4000 यूरो दान भरना पड़ेगा। तो ये लोग ने एक ही घंटा कद में फोन बंद कर दिए, कहते हैं कि 4000 यूरो बहुत ज्यादा पैसा है। अब मैं एक लतीफा सुना करके ये खबरें खत्म करूंगा। आज का लतीफा इस तरह से है। एको डॉक्टर एको आदमी से बोले, अब आइंदा में जब तोर औरत लौ हो करके गिर पड़ल ना, तो फौरन एको दूकू भिजाए के ओकरे माथे पर रख दिए, जितने जल्दी तू रखिए उतने ही जल्दी तोर औरत होश में आ जाए। तो आदमिया बोले, अरे डॉक्टर इतना जल्दी का है, अरे जितने पर बेर तलक हम औरत या बेहोश में पड़ा रहे ना उतने ही बेर तलक हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।